दोस्तों, राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु उत्तर बिहार वासियों के लिए लाइफलाइन है। लाइफलाइन इसलिए क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो उत्तर से दक्षिण बिहार का संपर्क ही टूट जाएगा। बिहार वासियों को तो ये बखूबी याद होगा कि जब गंगा ब्रिज कुछ घंटों के लिए जैम हो जाता है तो सड़क से सदन तक कोहराम मच जाता है। लेकिन आज हम जैम और लोगों की हो रही परेशानी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज बात करेंगे केवल अच्छी और लोगों को खुशी की सौगात देने वाली उस खबर की जो उत्तर बिहार के लोगों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। दरअसल बिहार सरकार के आग्रह पर प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए 4 लेन पुल का कार्यारंभ हो चुका है। यानी उत्तर बिहार के लोगों के लिए डबल लाइफलाइन वाली सौगात मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि अब महात्मा गांधी सेतु पर जैम से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। कुछ सालों में उत्तर बिहार के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जैम से छुटकारा मिलने वाला है। करोड़ों की लागत से बन रहा ये पुल न सिर्फ उत्तर बिहार वासियों बल्कि राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए भी संजीवनी का काम करेगा। महात्मा गांधी सेतु के जैम से कोई बच नहीं पाता। घंटों घंटों तक जैम में फंसने वालों के लिए ये न्यू महात्मा गांधी सेतु वाकई किसी संजीवनी से कम नहीं। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुसार गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन वाले पुल और उसके 8 लेन पहुंच पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सितंबर 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। इस पुल को SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है। 25 मार्च को इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो 42 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस पुल के निर्माण में लगभग 2927 करोड़ की लागत आएगी। नया सेतु पुराने गांधी सेतु से 38 मीटर सेंटर टू सेंटर की दूरी पर रहेगा। इस तरह बिहार वासियों को कुल 6 लेन का पुल आवागमन के लिए उपलब्ध रहेगा। इनमें 3 लेन का उपयोग आने और 3 लेन का उपयोग जाने के लिए किया जाएगा। पटना की तरफ से पहुंच पथ की कुल लंबाई 3380 मीटर होगी। दरअसल ये योजना बिहार राज्य के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का ही एक भाग है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2927 करोड़ रुपए है और प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर 2020 को ही इस पुल का शिलान्यास भी कर दिया था। हम आपको बता दें कि न्यू महात्मा गांधी सेतु पर युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। यही नहीं, साथ ही पुराने महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस पुल से बिहार के लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये महात्मा गांधी सेतु बिहार वासियों के लिए कितना मायने रखता है ये बिहार वासियों से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसे में उन लोगों के लिए वाकई ये नई सौगात किसी संजीवनी से कम नहीं है जो घंटों नहीं रात रात भर गंगा ब्रिज पर जाम में रात गुजार चुके हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।